फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। लेकिन मैं अपनी यूथ से आज कहना चाहता हूं, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में। मैं तो ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। मेरी तो कोई बाप पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मैं पॉलिटिकल फैमिली से था नहीं। मैंने तो शुरू की अवाम के अंदर निकल के। 14 साल मजाक उड़ता रहा, थोड़े से लोग थे मेरे साथ, और करते करते अल्लाह का करम है कि एक दिन अल्लाह ने अवाम के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। पब्लिक नहीं मुझे लेके आए हैं, पब्लिक के साथ ही मैंने आना है। मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, अपने आप को डिसॉल्व कर दिया, और अवाम के पास मैंने कहा लोगों के पास जाता कि इलेक्शन करवाएं, फैसला कर लें, इलेक्शन से इलेक्ट करें लोगों को। बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी जिंदगी स्ट्रगल है, किसी ने इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं की कि किसी ने 22 साल अपनी जिंदगी के नहीं गुजारे स्ट्रगल करके आखिर में कामयाब होना। तो मैं तो स्ट्रगल के ऊपर यूज्ड हूं, मैं तो अब एक स्ट्रगल के लिए तैयार हो गया हूं। मैंने तो अब पब्लिक में निकलना है और मैंने स्ट्रगल करनी है। जो तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है तारीख में, हमेशा ये चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। एक आजाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इया का नाम बदो या का नस्ताइन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा, ये नारों पे पाकिस्तान बना था, इसके लिए कुर्बानियां दी थी लोगों ने। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रगल करूंगा, मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा कि किसी किस्म की इंपोर्टेड गवर्नमेंट इसके ऊपर, इस मुल्क के ऊपर मुसलत की जाए।